जब आपकी मासिक आना चालू हो जाते हैं उसके बाद आप कभी भी लिकोरिया का शिकार होता है। खास करके लिकोरिया के शिकार वो महिलाएं होती है जो रियली में ओवरसन वगैरह करा लेते हैं, लोग बहुत ज्यादा अच्छे एथलेटिक है, उनको लिकोरिया जल्दी नहीं होता। उन लोगों को होता है जिनकी आलसी जीवन है, जिनकी एक्टिविटीज नहीं है। और इसमें हम आपको परहेज भी बताएंगे, इलाज क्या कर सकते हैं वो भी बताएंगे, जिससे आप अपने घर पे बड़ा आसानी तरीके से लिकोरिया से भाग सकते। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर पंकज से। डॉक्टर पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्कार, और आपके चैनल देख रहे हैं सभी व्यूअर को तहे दिल से अभिनंदन, मंदन साधुवाद करना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा ही प्यार मिल रहा है आपके चैनल से। जी डॉक्टर पंकज, आजकल महिलाओं में एक बीमारी बहुत ज्यादा देखने में मिल रही है और वो है ल्यूकेरिया की, जिसे कि हम श्वेत प्रदर के नाम से भी जानते हैं। पर अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं ना डॉक्टर के पास जाने से बहुत ज्यादा हिचकिचाती हैं, तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। आप हमें ये बताइए कि ल्यूकेरिया की बीमारी क्यों होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पहचाने कि ल्यूकेरिया की बीमारी हो गई है। देखिए, लिकोरिया कैसी श्वेत प्रदर तो हम इसको बोलते हैं, लिकोरिया कैसी बीमारी है जो रियली में दिखती है। ऐसा नहीं है कि इसको हम लक्षण पहचानने के लिए कुछ अलग करेंगे। देखते हैं, हमेशा एक पानी की तरह, एक तरह से उसको पानी ही बोलते हैं लोग, कि पानी की तरह स्राव होते रहती है लिकोरिया में। लिकोरिया में सबसे बड़ी चीज क्या है लक्षण में, कि ये पानी के स्राव कंटिन्यू होता रहेगा, बीच में कभी रुक जाएगा, फिर होगा, फिर रुक जाए होगा, और साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपके साथ आएंगे, जैसे आपके कमर में पेन होगा, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होगा। खास करके उन महिलाओं को देखा जाता है कि दिन भर काम किया और रात में बहुत ज्यादा दर्द होती है उनके पैरों में, बहुत कमजोरी हो जाती है, क्योंकि लिकोरिया में एक तरह से देखता है कि धातु की नष्ट होती है, आपकी धातु निकलने लगती है। और इसमें बहुत तरह के लक्षण है, जैसे सर दर्द आपको रहेगा, इसके बाद आपको जैसे पावर आपका सही नहीं रहेगा लिकोरिया में। और क्या होता है कि हेयर फॉल भी होते हैं, बहुत लोगों को देखा जाता है। इसके बाद देखते हैं कि उनके फेस में जो एक तरह से लाइट होती है ना, वो खत्म होने लगती है, वो पूरी तरह से उदास रहने लगते हैं, डिप्रेशन भी हो जाता है उनको, और वो अंदर अंदर झूझते रहती है उससे, क्योंकि ये चीजें ना किसी से बता नहीं पाती है, कर नहीं पाती है, कभी कभी कहती भी है तो लोग इसको इग्नोर करते हैं, और ये बड़ा ही खतरनाक हो जाता है महिलाओं के लिए जब ये अपना सीवियर रूप ले लेता है। ऐसे में देखा जाता है कि लिकोरिया धीरे धीरे कैंसर तक के आपको सफर दे सकती है। तो हमें कहीं ना कहीं आज लिकोरिया पे अच्छे से बात करने की जरूरत भी है और अवेयर रखने की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं में अगर अवेयरनेस नहीं रहेगी ना, तो क्या होता है कि अभी फिलहाल आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बाद में क्या होगा कि जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सीवियर हो जाता है, शरीर में ताकत नहीं रह जाती है, और ऊपर से और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, कुछ अलग बीमारी पकड़ ली आपको, कुछ अलग इन्फेक्शन हो जाते हैं, जानते हैं कि कैंसर तक के सफर देती है, तो ऐसे स्थिति में आपका बल तो पहले से छीन हो गया, आपकी अग्नि छीन हो गई, तो आप लड़ेंगे कैसे। और महिलाएं बहुत सारी बीमारी से लड़ नहीं पाती है, और खास करके मैं ये चाहूंगा कि आज जो हम अवेयर आपको करने जा रहे हैं, इनको सुनेंगे और लोगों तक फॉरवर्ड भी करेंगे। और इसमें हम आपको परहेज भी बताएंगे, इलाज क्या कर सकते हैं वो भी बताएंगे, जिससे आप अपने घर पे बड़ा आसानी तरीके से लिकोरिया से बाहर हो सकते हैं। जब किसी को लुकेरिया हो जाता है तो कैसे पता चलता है, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं या फिर देखने में क्या पता चलता है, और उसके अलावा आप हमें ये बताइए कि किस उम्र में हो सकता है या किसी भी उम्र में हो सकता है। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हम पता कैसे करें कि हमको लिकोरिया ही है। देखिए, लिकोरिया एक होता है क्रोनिक स्टेज पकड़ता, और एक होता है एक्यूट। जैसे बहुत कभी कभी कुछ ऐसे चीजें खा लिए, कोई गर्म चीज खा लिए, है ना, तो उससे क्या होता है कि एट ए टाइम आपको कुछ शराब होगा, फिर धीरे धीरे वो बंद हो जाता है, तो हम उसको आप एक तरह से हम नहीं कह सकते कि इनको लिकोरिया हो गया है। लेकिन कहीं कहीं देखा जा रहा है कि लगातार आपको शराब होते रहते हैं, मतलब है कि बीच में रुका एक महीना, कभी कभी नहीं आएगा, फिर चालू हो जाता है। और खास करके देखा जाता है कि जब मौसम चेंज होता है तो उसमें भी देखते हैं कि लिकोरिया चालू हो जाता है।
इसके बाद देखा जाता है कि लोग गर्म चीजें, खास करके महिलाएं देखिए ना, कुछ गर्म चने सोट वाली चीजें, गर्म मसाले चीज खाते हैं, हैवी चीजें खाते हैं, पेट साफ नहीं होता तो देखते हैं कि उनकी लिकोरिया चालू हो जाता है। तो होता क्या है कि लिकोरिया ठीक होती नहीं है, वो बनी की बनी रहती है, और जो हम गलतियां करते हैं बस शराब चालू हो जाता है। जैसे मर्दों में स्वप्न दोष और तमाम ऐसा चीज होते हैं, उनके भी धातु निकलती है, उसी प्रकार से एक तरह से जब पुरुष में धातु निकलती है तो महिलाओं में एक तरह से ये भी धातु निकलता है, लिकोरिया। लिकोरिया अक्सर ये देखा जा रहा है कि इसमें रेड कलर का भी आएगा, इसके बाद सफेद भी आएगा। तो लिकोरिया के बहुत सारे प्रकार है, किसी को पित्त से गर्मी से बहुत ज्यादा लिकोरिया हो जाती है, किसी को ठंड ठंड से भी लिकोरिया होती है, जिसको कफ के लिकोरिया हम बोल सकते हैं, कफ प्रधान रहेगी उसमें, किसी में वायु प्रधान रहती है और पित्त प्रधान रहता है। ये तीन तरह के लिकोरिया होते हैं। तो जिसमें पित्त प्रधान लिकोरिया रहता है तो देखा जाता है कि उनके कलर चेंज होंगे, कभी रेड कलर में आएगा, कभी सफेद आएगा, कभी मटमैला मिक्स मिक्सअप करके आएंगे। और जहां पे सफेद वो कफ वाले रहते तो उसमें केवल सफेद पानी ज्यादा आते हैं, और जहां पे बातज रहेगा तो उसकी कलर थोड़ी सी डार्कनेस टाइप के आ सकते हैं, मटमैला आ सकते हैं। तो ये देखा जा रहा है, तीन तरह के लिकोरिया महिलाओं में पाया जाता है। किस उम्र में होता है ये? हाँ, इसकी उम्र की बात कहा जाए तो पहले तो होता कि भाई जब ये बढ़ता तो होता, लेकिन अब किसी भी उम्र में आपको लिकोरिया हो सकता है, जब आपकी मासिक आना चालू हो जाते हैं उसके बाद आप कभी भी लिकोरिया का शिकार होता है। खास करके लिकोरिया के शिकार वो महिलाएं होती है जो रियली में अवर्सन वगैरह करा लेते हैं। जैसे मान लिया कि बच्चा घर में ठहर गया लेकिन आप रखना नहीं चाहते हैं और आप अवर्सन कराते हैं, तो यहाँ पे देखा जाता है कि लिकोरिया था। क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपके जो प्राइवेट पार्ट है उस पर चोट लगती है, वो कमजोर हो जाते हैं, इसके बाद वहां से धातु का स्राव चालू हो जाता है। तो हमें ऐसे चीज से भी बचना चाहिए। इसके बाद ये भी देखा जाता है कि जो लोग वैसे गोलियां खाते हैं, वैसी दवाइयां खाते हैं जो गर्भ गिराने वाले हैं, तो वहां भी लिकोरिया देखा गया। इसके बाद क्या गया है कि अनियमित रूप से जबरदस्ती अगर आप शारीरिक संबंध करते हैं, लगातार आप करते हैं इसे, तो भी लिकोरिया देखा जाता है। और खास करके जिन महिलाओं का हम लोग जैसे ट्रीटमेंट करते हैं तो उनसे जब बातें होती है तो पता चलता है कि जब भी हम ऐसे चीजों करते हैं, शारीरिक के कुछ संबंध बनाते हैं, तो हमारी लिकोरिया बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि चोट लगने से उसपे, यानी उसकी धातु पहले से कमजोर है, वहां का एरिया कमजोर है, तो स्रावित चालू हो जाता है। तो हमें इन सब चीजों से भी बचना चाहिए जब तक आपका लिकोरिया सही नहीं हो जाए। क्या ये वंशानुगत होता है या हेरिडिटरी कहा जा सकता है इसको? हाँ, ये भी देखा गया है कि जो महिलाएं, जैसे मान लीजिए कि आपको मां का था, तो बच्चा को होना एक नॉर्मल बात होता है, हो जाता है, लेकिन आप अगर अच्छे से परहेज से रहते हैं, सब चीज आपका ठीक चलता है, एक समझिए कि जब आप मैच्योर हो जाते हैं तब इन सब चीजों में आते हैं। लेकिन क्या होता है कि आज हम बचपन से बहुत सारे गलत आदत पकड़ते हैं जिसके वजह से भी लिकोरिया चालू हो सकता है, क्योंकि आपके हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, आप में एक्टिविटी, जैसे अभी आपका एज मान लिया कि 12 साल की, लेकिन अभी से ही एक्टिविटी आपका तेज हो रहा है अंदर से, सेक्सुअल एक्टिविटीज वगैरह, तो वो भी आपको ये सब तरफ के लेके जा सकते हैं, यानी लिकोरिया तरफ लेके जा सकते हैं। तो हमें इन सभी चीजों से बचना चाहिए, उसके लिए खास करके अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अवेयर हो, बच्ची अगर कोई दिक्कत हो रहा है ऐसे तो वो माँ को जल्दी बता दे कि हमें साथ ऐसा फील हो रहा है, ऐसा दिक्कत हो रहा है, कि हमें लग रहा है कुछ शराब हो रहा है, तो वो बहुत जल्दी बच सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ा पॉइंट इसमें क्या रखना है लिकोरिया से बचने के लिए, कि हम साफ सुथरा हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, हम बहुत ज्यादा गंदगी से रहते हैं, और खास करके पानी भी बहुत कम पीते हैं, खाना हमारा दूषित हो गया है, अनियमित भोजन करते हैं, और देखा जाता है कि लोग वासी भोजन एक तरह से करते हैं ना, बहुत ज्यादा करते हैं, तो यहाँ पे भी यूटीआई हो करके लिकोरिया होने लगता है। देखते हैं बहुत सारे महिलाएं होंगे जिनको यूटीआई भी रहती है लिकोरिया के साथ, उनको बार बार इन्फेक्शन हो जाया करता है। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, अच्छा मात्रा में पानी पीना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, इन सब चीजों को अगर आप करते हैं तो निश्चित है कि जो आप जेनेटिक बोलते हैं तो वो आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप इससे बच सकते हैं। लेकिन अगर एक तौर पे देखा जाए, व्यवहारिक तौर पे देखा जाए, तो आप ये अगर आपकी माँ को है तो बेटी को होने के चांसेस बढ़ती है, होती है।
जी, लुकेरिया यानी कि व्हाइट डिस्चार्ज। जिनको ये परेशानी होती है उन्हें क्या खाना पीना चाहिए और क्या नहीं खाना पीना चाहिए, यानी कि किन चीजों से परहेज करना बहुत जरूरी होता है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लिकोरिया तो चलो भाई हो रहा है, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हमें लिकोरिया कैसे होगा, रियली भी नहीं पता है। लेकिन अगर आप जिन लोगों को लिकोरिया हो गया है या ना हो तो हम करें क्या, ये बहुत अच्छा चीज है। तो सबसे पहले लिकोरिया ना हो उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको करना क्या है कि जो नियमित आपका है दिनचर्या उसको सही से कीजिए। दिनचर्या का मतलब हुआ कि सुबह में आप जो सही से उठना है, सही टाइम पर उठिए, पेट को साफ रखिए, सही टाइम पे शरीर को भोजन दीजिए, एक अच्छा एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए। इससे क्या होता है ना, आपके मसल सब स्ट्रांग रहेंगे तो आपको लिकोरिया के चांस, जो लोग बहुत ज्यादा अच्छे एथलेटिक हैं उनको लिकोरिया जल्दी नहीं होता, उन लोगों को होता है जिनकी आलसी जीवन है, जिनकी एक्टिविटीज नहीं है। तो आप एक अच्छा एक्टिविटीज कीजिए, बॉडी को रेस्ट भी अच्छा दीजिए, अच्छी नींद दीजिए, अच्छा सुपाच्य खाना दीजिए जो खाना आपको डाइजेस्ट हो जाए। इसके बाद कुछ ऐसे चीजें अपने लाइफ में ऐड कीजिए खाने में जो आपको हेल्प करता है, खास करके शुगर को अवॉइड कीजिए और आप गुड फैट लीजिए। आप घी ले सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत तरह के स्वीट्स आते हैं, आप ले सकते हैं, जैसे मगज ले सकते हैं, चिरौंजी ले सकते हैं। तो इन सब चीजों को जिसमें तेल हो, थोड़ी सी अलसी का भी प्रयोग कर सकते हैं अभी, लेकिन गर्मी के ठंड के मौसम में, ये नहीं कि गर्मी में अलसी भर भर के खा रहे हो तो वहां से भी गर्मी से भी लिकोरिया चालू हो जाएगा। तो हमें इन चीजों को भी ध्यान रखना है और अपने खाना में अच्छे से कैल्शियम हो, जैसे आप मखाना ऐड कर सकते हैं अपने खाना में, इसके बाद अच्छे ग्रीन्स ऐड कर सकते हैं, और खास करके आप दालें जिसमें प्रोटीन अच्छा मात्रा में हो तो आप दालें ऐड कर सकते हैं, अंकुरित अनाज ऐड कर सकते हैं, कुछ सैलेड वगैरह ऐड कर लीजिए, फाइबर ऐड कर लीजिए, कुछ अच्छे फ्रूट्स ऐड कर लीजिए, योग एक्सरसाइज, अच्छे इनफ मात्रा में पानी पीजिए और अच्छे आप नींद लेते हैं। तो कुल मिलाकर के आपकी लाइफ स्टाइल ये देखी जाती है। और इसके बाद टेम्परेचर बदलता है, जैसे गर्मी का मौसम है तो बहुत ज्यादा मसालों का प्रयोग ना कीजिए, ठंड का मौसम आ गया तो बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी चीज हम खा रहे हैं, तो इन चीजों से केवल आप बॉडी को बचाइए, स्ट्रेस लेवल को मेंटेन कीजिए, आउटडोर आप रहिए थोड़ा, तो आप देखिएगा लिकोरिया बचेंगे। और हाइजीन मेंटेन कीजिए, सफाई रखिए। क्या होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा हाइजीन मेंटेन करते हैं, कुछ लोग करते ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो आप दिक्कत कर रहे हैं ना। तो हमें हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, सही से सर सफाई रखिए, अपने बाथरूम को साफ रखिए, और आपके पास सिंपल सी बात है फिटकरी बहुत अच्छे होते हैं, फिटकरी के पानी से आप अपना वॉश कीजिए। कभी कभी आपने थोड़ी सी फिटकरी को डाल दिया, उसकी पानी आ गई, उससे वॉश कीजिए जो आपको होता है, इससे बहुत हेल्प मिलता है, बहुत हेल्प मिलेगा। तो हमें अगर आप ये करते हैं तो आप लिकोरिया से रियली में बचे रहेंगे, रियली में बचे रहेंगे। इसका आयुर्वेद में क्या इलाज है? सबसे पहले तो मैं बचने का बता दिया, और ये बचने वाले प्रोसेस आपको इलाज में भी हेल्प करेगा, यानी जिन लोगों को लिकोरिया ऑलरेडी हो गया है वो भी इस काम को साथ साथ करेंगे, और कुछ हम घरेलू प्रयोग बताएंगे जिसका इस्तेमाल करके आप लिकोरिया से बच सकते हैं। लिकोरिया के लिए सबसे अच्छी दवा आपके पास हो सकता है शीशम के पत्र आते हैं, शीशम के कुछ पत्ते ले लीजिए, कम से कम 15 से 20 पत्ते शीशम का ले लीजिए, और एक आता है सेमल का छाल, एक छोटा सा टुकड़ा लगभग लगभग 30 से 40 ग्राम, आप 30 ग्राम ले लीजिए सेमल का छाल, कच्चा आप निकाल सकते हैं, बहुत जगह पेड़ है पूरे इंडिया में मिल जाएगा, तो सेमल के छाल ले लीजिए और इन दोनों को पत्थर पे कूट लीजिए, और इसमें थोड़ी सी मिश्री मिला लीजिए, मतलब कि पानी मिला करके इसका रस निकाल लीजिए, एक तरह से जूस जैसा निकल जाएगा आपको, और इसे निकाल करके थोड़ा थोड़ा पीजिए। कैसे लेंगे, शुद्ध फिटकरी करके, यानी फिटकरी को लाइए घर पे, उसको तवे पे गर्म करेंगे, पिघल जाएगी, फिर बताशा बन जाएगा, तो 1 से 2 चुटकी फिटकरी को लेकर के और इसको पी लीजिए, 3 दिन में लिकोरिया आपका बंद हो जाएगा, मात्र तो 3 दिन में लिकोरिया बंद कर देगा, इतनी अच्छी है। दूसरा आपके घरेलू प्रयोग में केला, छोटे केले आते हैं ना पके हुए, उस केले में अगर शुद्ध फिटकरी डाल करके 400 mg, सॉरी 500 mg में डाल करके, यानी 2 चुटकी फिटकरी उसमें डाल दीजिए, और उसको आप ज्यों खाते हैं दोपहर के टाइम इसको रखिए, तो आपके लिकोरिया के लिए बहुत हेल्प होता है। तीसरी आपके लिए बहुत अच्छा है लिकोरिया के लिए जो घरेलू तौर पे प्रयोग कर सकते हैं, वो है सौंफ। सौंफ ले लीजिए, जैसे 25 ग्राम सौंफ ले लिया, 25 ग्राम जीरा ले लीजिए, 25 ग्राम धनिया ले लीजिए,
और 50 ग्राम आंवला पाउडर, अच्छे क्वालिटी के आंवला पाउडर उसमें ऐड कर दीजिए। इसका बारीक पाउडर बना करके, जिसमें चाहे तो 50 ग्राम मिश्री आप ऐड कर लीजिए, इसको आधा आधा चम्मच आप लेते हैं, तो ये भी आपके लिकोरिया के लिए बहुत ही इफेक्टिव भी है और सुरक्षित भी है, निरापद, और मैंने निरापद है, इससे कोई आपके साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। तो आप एक घरेलू तौर पे आप सिंपल ये प्रयोग कर सकते हैं, खास करके कुछ चीजों से आपको बचना होगा, जैसे आप तीखी मिर्चा जो खाते हैं उनसे बचिए। इसके बाद खटाई, आप खट्टी चीज का सेवन करेंगे तो लिकोरिया आपका हो सकता है कि चालू हो जाए, क्योंकि धातु की नष्ट करता है खट्टा चीज, तो हमें ऐसे खट्टे चीजों से भी बचना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि जिन महिलाओं को लिकोरिया है, वो खास करके शारीरिक संबंध की हम बात किए हैं, तो उससे थोड़ा सा आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं चोट लगते हैं उससे लिकोरिया तेज होता है, क्योंकि ये हमारा प्रायोगिक है, लोग के मैंने अनुभव है, तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए ताकि आपकी धातु बचे, आपकी बॉडी अच्छी रहे और आप लिकोरिया से रियली भी ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये करना चाहिए। हाँ, एक मार्केट की दवाई हम बता देते हैं, उसको बोलते हैं फेमीप्लेक्स, चरक का है, आयुर्वेदिक कंपनी है, बहुत सिंपल बनाती है, डिबिया आती है, 130 रुपया में मिल जाएगी लगभग। दो दो टैबलेट, छोटी छोटी टैबलेट होती है, यानी चने के बराबर, चने से भी छोटा होता है, दो दो टैबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं। किसके साथ? चावल का पानी यानी बासमती चावल 100 ग्राम ले लीजिए, और 1 चम्मच धनिया को भिगो दीजिए करीब करीब हाफ लीटर पानी में, 500 ml पानी में रात भर छोड़ दीजिए। फिर मसाल करके उस पानी को छान लीजिए, निकाल करके थोड़ा थोड़ा दिन में आप इसका प्रयोग कीजिए, दो दो टैबलेट दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, मैंने शाम से पहले ले लेना है आपको, 4 बजे तक, यानी 8 से 9 बजे से स्टार्ट कीजिए और 4 बजे तक 6 टैबलेट आप खा सकते हैं। बहुत ही इजी है, बड़ा ही इफेक्टिव है, और मैंने बाहरी दवाइयों में ये मैंने प्रयोग किया है और बहुत लोगों को अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसमें कुछ कंटेंट है जो मिले हुए हैं, जैसे दारू हल्दी वगैरह भी मिला हुआ है, जो बहुत ही इफेक्ट करता है लिकोरिया के लिए। खास करके मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इन चीजों जो अभी हमने बताया वो तो आपके लिकोरिया रोक देते हैं, लेकिन कहीं कहीं इन्फेक्शन रह जाते हैं, तो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए कुछ हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दारू हल्दी होती है, देव दारू होती है, देव दारू, दारू हल्दी, इसके बाद आप मंजिष्ट ले सकते हैं, मंजिष्ठा है, इसके बाद कुछ तुलसी है, इनको बराबर मात्रा में आप ले लीजिए, और खदीर का छाल भी, और 1 चम्मच का काढ़ा बना करके कुछ दिन आप इसका सेवन कर ले, तो जो इन्फेक्शन बनी है वहां ये बैक्टीरियल को मार देगा भी, तो आप पूरी तरह से लिकोरिया से बाहर हो जाएंगे। तो आप ये कर सकते हैं, सिंपल वे में है, घर पे ठीक हो सकते हैं, नहीं तो आपके बैक्टीरिया ये सब मारने के लिए फिटकरी, आपके शुद्ध फिटकरी में बताया कि वो लिकोरिया को रोकता भी है, केला के साथ लेंगे तो, और बैक्टीरियल को मारता भी है, उसके पानी से बास भी कीजिए, तो इतना सिंपल प्रयोग है, आराम से ठीक हो जाएंगे। परहेज रखना, स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करना है, योग एक्सरसाइज कीजिए, अपने डाइट को अच्छा रखिए, सुपाच्य भोजन खाइए, जो भोजन पच जाए आराम से, ये ना कि खाए तो हैवी हो जाए, गैस बनाए, कब्ज हो, ज्यों कब्ज होगा हैवी होगा, टेम्परेचर अचानक बॉडी को ज्यादा चेंज करेंगे, कोई गर्म चीज या ठंडा चीज बहुत ज्यादा खा करके, तो आपके लिकोरिया चालू हो सकते हैं, तो इन चीजों से आपको बचना होगा। तो पूर्ण रूप से आपको डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और सबसे बड़ी चीज है कि आगे आने वाले जो बीमारी जो कैंसर तक के आपको दे सकता है, उससे भी आप बच जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा है, करके देखिए, 100% रिजल्ट आपको आने वाले हैं। डॉक्टर पंकज, लुकेरिया से बचने के लिए यानी कि जो ये व्हाइट डिस्चार्ज होता है, इससे बचने के लिए कौन कौन से काढ़े पीना उचित रहता है? हाँ, लिकोरिया से अगर आपको बचना है तो घर पे आपके लिए सबसे दी बेस्ट है वो धनिया, धनिया और चावल का काढ़ा, मैंने चावल ले ले 1 चम्मच, धनिया 1 चम्मच ले, इसको थोड़ा सा बॉयल करके और छान करके इसको अगर आप पीते हैं हल्की नॉर्मल करके तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद गुड़ हाइबिस्कस के फूल, अगर आप 2 से 3 कली को फूल को उबाल लीजिए पानी में, इसे पीजेंगे तो ये भी लिकोरिया के लिए अति उत्तम दवा है, बहुत अच्छा काम करेगा। इसके बाद घर पे और प्रयोग कर सकते हैं, वो है आपके कुछ फैट चीजें, गुड फैट आप ले लीजिए, जैसे घी का पानी, यानी 1 चम्मच घी को पानी में बॉईल कीजिए आधा करके, फिर उसको पीजिए, ये भी आपको लिकोरिया बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि गुड फैट देगा, बहुत अच्छा है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड आप ले सकते हैं, आप थोड़ी सी अखरोट का प्रयोग कर सकते हैं, इसके बाद कुछ मगर सीड्स का प्रयोग कीजिए, ये भी आपके लिकोरिया के लिए बहुत अच्छा है। और काढ़ा में आप ले सकते हैं जीरा के पानी, भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि पाचन शक्ति को बढ़ाएगा।
और खास करके इस ठंड में जिनको लिकोरिया आ रहा है उनके लिए क्या है, अजवाइन कलौंजी यानी चार चुटकी के अजवाइन, चार चुटकी कलौंजी ले ले, कुछ पुदीने के पत्ते ले सकते हैं, वो अब बहुत अच्छा रहेगा, एक तेज पत्ता ले लें और इसे बॉईल करें 1 गिलास पानी में 5-7 मिनट, और इसको आप पीजिए। इससे क्या होगा ना, आपकी गैस वगैरह नहीं बढ़े, क्योंकि हम देखे गए हैं कि बहुत लोगों की गैस एसिडिटी होने के बाद भी लिकोरिया चालू हो जाता है। इन चीजों का प्रयोग कीजिए तो ये आपके लिए एब्सोल्युटली बहुत अच्छा रहेगा इस समय। डॉक्टर पंकज, आपने आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने अवेयरनेस फैलाने का बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि अवेयर फैले और एजुकेशन लोगों तक जाए। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।